हरे हरे कृष्ण कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ज्ञानशलाक चुर तस्म श्रीगुरव नम ओं विष्णुपादायय कृष्ण प्रेस्था भूतले श्रीमदिवेदा नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष विशेष अश्वनिमादि पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौरव भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे 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 कृष्णा पिछले क्लास में हम हमने 11वां श्लोक नेपडा अशोच न अनुसोचस्तम प्रज्ञा वादां प्रभाषसे गतासु न गतासुम च नानुसोचन्ति पंडिताः इसमें दो महत्वपूर्ण विषय जो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ एक तो आ, आत्मा देह देह से आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है हम देह के लिए इतना आ, समय शक्ति सब देते हैं लेकिन दे आज या कल ये तो नाश हो ही जाएगा तात्कालिक है देह और आत्मा सनातन है और हम आ, असली हम में आत्मा है, हम देह नहीं है तो जो व्यक्ति इस ज्ञान को जानता है और उसके हिसाब से जीवन जीता है वही असली ज्ञानवान है जिसके पास ज्ञान है आ, बाकी जो भौतिक ज्ञान प्राप्त करते उस वो असली ज्ञानी नहीं है यही असली ज्ञानी है और दूसरी बात जो इस विषय को समझता नहीं कि देह तात्कालिक है और मृत्यु से जो विचलित होता नहीं है सिर्फ उन जैसे व्यक्तियों से हमको आध्यात्मिक ज्ञान हमको पाना है बहुत सारे लोग भौतिक जगत में बोलते हैं इंटरनेट में तो इतना सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि वो आध्यात्मिक ज्ञान उनके वो उनको उनको आध्यात्मिक ज्ञान वो जानते हैं इसे लेकिन अगर उनको ये ज्ञान पता नहीं है कि आत्मा और देह के बीच में जो भिन्नता है अगर वो उनको पता नहीं है तो उन जैसे लोगों से हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेना चाहिए इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमको सिर्फ अधिकृत परंपरा से हमें लेनी है तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज 11वें श्लोक में भी आगे बढ़ेंगे 12 न त्वे वाहम जातुना सम्नत्वम नेमे जनादिपा न चैव न भविष्यम सर्वे वयमत परम ऐसे कभी नहीं हुआ है मैं ना रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो और न ऐसा ही कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे कृष्ण यहाँ बहुत एक सबसे महत्वपूर्ण चीज बता रहे है कि हम हमारा अस्तित्व तो क्या है हमारा जो असली हम कौन है इसके बारे में कृष्ण इस श्लोक में बता रहे है कि वो बोल रहे है कि आ, कभी भी कभी भी ऐसा नहीं था समय जब मैं नहीं था अर्जुन तुम नहीं थे या ये जो राजा है यहाँ ये सब नहीं थे ऐसे को, को समय ही नहीं था इसका मतलब क्या है कि हम भूतकाल भूत काल में वर्तमान काल में और भविष्य काल में हम ऐसे ही वैयक्तिक व्यक्ति हम रहेंगे हुँ? तो इसका मतलब क्या है कि कृष्णा बोल रहे अर्जुन को भी बोल रहे अर्जुन मैं तुम और ये सब राजा है अभी जो इस युद्ध भूमि में जो थे वो सब तो मरने वाले हैं और उनका दो जो देह है वो तो तात्कालिक है और वो नाश हो जाएगा तो कृष्ण किन के बारे में बात कर रहे हैं जब कृष्ण बोल रहे कि तुम आ, तुम भूतकाल में भी थे आज भी हो भविष्य में रहोगे मैं भी रहूंगा और इन सब राजा ये सब राजाओं भी रहेंगे इनका इसका मतलब क्या है वो तो देह के बारे में बात नहीं कर रहे तो तात्कालिक है वो तो पिछले श्लोक में कृष्ण भगवान बोल दिया है कि आ, ये तो आ, नाश होने वाली चीज के बारे में कौन दुखित होता है तो वो बोल के अभी कृष्ण क्या बता रहा है कि यह के बारे में नहीं तुम कौन हो तुम आत्मा हो और ये आत्मा तात्कालिक है या तात्कालिक नहीं है ये सनातन है इसलिए हम पहले भी थे आज भी है और कल भी रहेंगे तो और भगवान बाकी सब जीवों को उनके साथ तुलना कर रहे हैं कि मैं तुम और ये सारे राजा है तो इसका मतलब है कि हम सब में एक ही गुण है आध्यात्मिक गुण है क्योंकि हम भी भगवान के अंश है तो भगवान सनातन है इसलिए हम भी सनातन है कृष्णा ये नहीं कह रहे कि आ, मेरा मैं दूसरे वर्ग में हूँ तुम लोग दूसरे वर्ग में हो नहीं मैं तुम और ये सारे जो राजा है सब सनातन है आ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है आ, और <coughs> इससे ये भी समझ में आता है कि कृष्ण का स्थान क्या है कृष्ण एक व्यक्ति है हमारे जैसे या, या, नहीं ऐसे बोलना चाहिए कि हम कृष्ण के जैसे है व्यक्ति क्योंकि जब हम बच्चों को देखते हैं और बोलते हैं कि बच्चे माता पिता की तरह है हमने ये नहीं बोलते कि माता पिता बच्चे की तरह है तो हम भगवान की बच्चे हैं क्योंकि भगवान बोलते हैं हम बीज जब पिता तो हम बच्चे हैं तो हम हमारे जो रूप है हमारा जो रूप है वो भगवान के ऊपर है भगवान जैसे भगवान के रूप जैसे उसकी तरह हमारा रूप है तो इसका मतलब ये हुआ हो गया कि भगवान का दो हाथ दो पाए का ये शाम सुंदर शाम सुंदर रूप कृष्ण का मूल स्वरूप है मूल रूप इसीलिए हम भी मनुष्य मनुष्य का भी दो हाथ दो पाए आंखें सब भगवान के रूप के ऊपर गए हम हम्म तो भगवान भी आ, आ, भगवान सनातन है भगवान का रूप है आ, बहुत सारे लोग जिनको हम मायावादी कहते हैं वो कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है भगवान निराकार है लेकिन निराकार क्या है निराकार आ, निराकार आ, शक्ति है ये शक्ति शक्तिमान से आ, आती है आ, आ, अगर हमको हमको ट्यूबलाइट चलाना है तो हम जाके स्विच दबाएंगे फिर ट्यूबलाइट ऑन होगा तो ट्यूबलाइट शक्ति है लेकिन शक्तिमान चाहिए था वो स्विच दबाने के लिए तो शक्ति जहाँ भी है उसके पीछे शक्तिमान है इसलिए भागवत में बोलते हैं कि दुर्गा देवी है, शक्ति है शक्तिमान के पीछे खड़ी थी कृष्ण के पीछे खड़ी थी तो ये नहीं कि शक्ति ही श्रेष्ठ है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये शक्ति ब्राह्मण ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है नहीं ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ नहीं है ब्राह्मण क्या है ब्रह्म ज्योति सा, साकार कृष्ण से कृष्ण का देह का कांति है प्र, प्रभा है आ, तो वो ब्राह्मण कृष्ण से आ रहा है तो इसलिए ब्राह्मण मूल नहीं है कृष्ण मूल है कृष्ण से ये ब्राह्मण शक्ति भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति सब कुछ उनसे उन आती है हुँ? तो इसे वो भी पता चलता है कि कृष्णा एक साकार रूप है निराकार नहीं है कृष्ण का इतना सुंदर वर्णन है कि इतना सुंदर है आ, इतना अच्छा करली बाल है उस उनके आ, इसे इतना अद्भुत वर्णन है शास्त्रों में कृष्ण का और ये सब वर्णन सुन के फिर बाद में बोलते हैं लोग नहीं नहीं ये तो तात्कालिक वर्णन है आसली में भगवान का कुछ रूप नहीं है नहीं, भगवान का रूप नहीं है लेकिन हमको कैसे ये रूप मिल गया नहीं नहीं ये भी आ, आ, हम भ्रमित है इसलिए हम ऐसे सोच रहे कि हम, हम हमको एक रूप है ऐसे कुछ अनाप शनाप भक्त है लेकिन यहाँ कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहे कि हम सब सनातन हैं और क्योंकि हमको एक हम एक हम, हम हमारे हमारा एक हमारा ये मनुष्य का रूप है वो मनुष्य का रूप भगवान के रूप के ऊपर गया है तो इससे हमको पता चलता है कि हम सनातन है भगवान सनातन मनातन है हम हमारा स्वरूप है भगवान का भी स्वरूप है तो इसमें इस श्लोक में बहुत सारे आ, तात्विक विषय है जो मैं अभी नहीं करूंगा कभी और करेंगे अभी आगे श्लोक देहे दे कौमारम्योवनजरा तथा देहांत धीरस्तत्र नमूती जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चल जा चला जाता है निर्व्यक्ति व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता हम्म तो बहुत स्पष्ट रूप से हम्म इस श्लोक में क्या वर्णन कर रहे हैं कि अः ये आत्मा और देह का बीच में जो संबंध है वो क्या है देहधारी है देहधारी आत्मा का वर्णन यहाँ क्या कह रहा है देहधारी इसका मतलब क्या है कि आत्मा ने इस देह को वो धारण किया है वो के जैसे हम कपड़े पहनते हैं इसलिए ऐसे ही हम इस देह को पहने हैं देह तो हमारा बाह्य क्या है वस्त्र है हम्म तो इस वस्त्र को हम जैसे हम आज आ, सोएंगे कल सुबह नहाएंगे फिर वस्त्र बदलेंगे इसी तरह आ, जब आत्मा का इस देह में जो समय है वो बीत जाता है फिर आत्मा इस देह वस्त्र को छोड़ के दूसरा एक देह पहन लेता है बस आ, तो इस और आत्मा देह बदलता रहता है देह बाल्यावस्था से फिर तरुणावस्था फिर वृद्धावस्था फिर मृत्यु ये तो देह का आ, आ, बहुत सारे स्थान या उसका क्या बोलते हैं बदलाव परिवर्तन है, आ, ब, 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 है। आ, लेकिन आत्मा सिर्फ इस देह में वही आत्मा है वही आत्मा रहता है और देह बदलता रहता है अः जैसे हम आज एक वस्त्र पहनेंगे कल एक और वस्त्र पहनेंगे पर परसों एक और इसका मतलब यह नहीं कि हम बदल गए इसी देह तो हर दिन हर क्षण बदलता रहता है लेकिन आत्मा वो जो देहदारी है जो देह को देह का धारण किया हुआ है वो तो बदलता नहीं है वो सनातन है उसमें कुछ परिवर्तन होती नहीं है हम्म तो हम जो है आत्मा हमारा कुछ भी परिवर्तन हो नहीं हो रहा है देह जन्म लेता है फिर वो बढ़ता है फिर वो उत्पत्ति पैदा करता है फिर रहता है फिर नाश हो जाता है ऐसे छह का छः परिवर्तन है लेकिन आत्मा का कुछ भी परिवर्तन नहीं है आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है अः और अगर वो मनुष्य शरीर में हो या कुत्ते के शरीर में हो लेकिन आत्मा बदलता नहीं है हम्म तो मृत्यु किसके लिए है मृत्यु तो देह के लिए है आत्मा के लिए से जन्म भी नहीं है मृत्यु भी जाए है। तो यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं कि तो इसलिए मर मृत्यु का मतलब क्या है कि ये आत्मा एक देह को छोड़ के दूसरा देह का प्राप्त को प्राप्त करता है बस वही मरणा है मरण है हम्म जो धीर होते हैं धीरज इस परिवर्तन से वो मोहित नहीं होता है जो धीर व्यक्ति है हुँ? और ये मृत्यु कैसे क्या चीज है इसको गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है मृत्यु के बारे में बोलते हैं कि मृत्यु के समय बहुत अः दुख समय है दर्द का समय है मृत्यु हम्म क्योंकि हम पूरा हमारा पूरा जीवन ये, ये देह ही हमारा घर ऐसे समझ के हमने लोग सामान्यतः जीते हैं तो और उनके देह के ऊपर और देह के संबंधित सब रिश्ते संपत्ति सब के ऊपर इतना वो आसक्त हो जाते हैं हो गए होंगे कि उस समय में ये सबको छोड़ के जाना पड़ता है ऐसे सोच के वो इतना दर्द महसूस करते इतना दर्द महसूस करते है शास्त्र में बोलते है कि चालीस हजार बिट्टू स्कॉर्पियन एक बार अगर किसी व्यक्ति को काटे इतना जितना दर्द होता है उतना दर्द होता है लेकिन ये तो सिर्फ जो भौतिक आसक्ति में डूबे हुए है इनका मृत्यु का विधान है हाँ आज मैंने ग्रुप में कल शायद मैंने ग्रुप में एक मैसेज भेजा कि भक्त के लिए मृत्यु ही नहीं है hmm? क्योंकि जब हम कृष्ण भावनामृत में बहुत बहुत तीव्र रीति से हम जुड़ते हैं लगते हैं तो आ, उ, 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 उन भक्तों का कुछ मृत्यु है ही नहीं मृत्यु स्टॉप हो जाती है hmm? और भक्त का मृत्यु कैसी होती है भक्त सोता है और जब उठता है वो आध्यात्मिक जग, जगत में चला गया है और कृष्ण के सामने है यही भक्त का मृत्यु है तो भक्त ऐसे ये इतना दर्द भरी मरण भी सहता नहीं है नहीं? वो उससे भी आ, पार हो जाता है नहीं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि लोग तो इस मृत्यु के विषय से इतना डर जाते हैं और मृत्यु जब होती है तो इतना दर्द है क्योंकि हम सबको ऐसे कि हम आके हमें हमारा घर से निकालेंगे तो हम क्या करेंगे हम इधर उधर पकड़ेंगे जो भी मिलता है उसको पकड़ के रगड़ के हम वही रोकने का कोशिश करते हैं ऐसे जो ये देह एक तात्कालिक घर है ऐसे नहीं समझता वो तो वो आत्मा बहुत दर्द महसूस करता है मरण के समय पे और ये मरण मृत्यु क्या होती है स्थूल शरीर को छोड़ना तो मैंने पहले भी बताया कि स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है तो आत्मा को सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या है मन बुद्धि अहंकार मन बुद्धि अहंकार आत्मा को एक स्थूल शरीर से दूसरा स्थूल शरीर में जाके ले जाता है बस वही मृत्यु है तो एक शरीर से दूसरे शरीर का परिवर्तन दूसरे शरीर में परिवर्तन तो आत्मा सिर्फ उसका एड्रेस चेंज करता है उसका नाम वो जो नया देह है नया घर मिला है वहां चला जाता है बस और उसके पहले तो बहुत सारा चीज होती है कि हमको यमराज के पास जाना पड़ता है फिर यमराज देखते हैं कि हम हमारा कर्म के हिसाब से वो बोलते हैं कि तुम्हें नरक जाना है या स्वर्ग जाना है या फिर पृथ्वी में आना है तो ये सब का वहाँ डिसीशन होता है फिर उसके प्रकार हम जन्म लेते हैं और अगर नरक का नरक जैसी नरक जाने वैसे वैसी जैसी हमने काम किया है तो नरक जाते हैं फिर वहाँ बहुत शिक्षा प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद में हम फिर से इस भौतिक भूमि में आते हैं और हमारा जीवन कंटिन्यू करते हैं तो और वो जाने का जो समय है वो हम सामान्य रीति जब कोई अमृत किसी का मरण होता है तो हम ये सब करते हैं ना जो विधि करते हैं ग्यारह बारह तेरह दिन ये सब उस वो प्रयाण है जो आत्मा है वो यमलोक तक जा रहा है वो प्रया प्रवास के लिए हम उसको पानी देते हैं अन्न देते हैं छत्री देते हैं चप्पल देते हैं ये सब विधि प्रक्रिया है कर्म इसमें शास्त्र में तो ये सब बहुत सारी चीज है जो गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार रूप से वर्णन की गई है लेकिन अंत में महत्वपूर्ण विषय क्या है कि आत्मा सनातन है देह तात्कालिक है और देह को हम आज या कल तोड़ना ही है हमें और जो इस मृत्यु की विषय से जो दिग्भ्रमित नहीं होता है वो असली धीर है असली ज्ञानी है और यही बहुत प्रमुख विषय है क्योंकि सबको इस देह के देह पे बहुत लगाव है और देह के लिए जी रहे हैं, लेकिन ये देह तो आज या कल नाश होने वाली है तो आत्मा के ऊपर हमारा जो अटेंशन होनी चाहिए आत्मा के ऊपर होना चाहिए आत्मा को हमें खाना देना है खाना खाना देते हैं देह के लिए, तो दे लिए, दे लिए एक्सरसाइज करते हैं देह के लिए कपड़े खरीदते हैं ये करते है, वो करते लेकिन आत्मा के लिए हम कुछ नहीं कर रहे और इस देह से हमको असली शास्त्र में बोलते है शरीर व्याधि मंदिर ये शरीर जो है वो व्याधि का मंदिर है व्याधि का मतलब है रोग दुख का मंदिर है शरीर सो जिस चीज से हमें इतना दर्द मिलता है उस चीज के लिए हम इतना श्रम करते हैं उसका इतना देखभाल करते हैं और उसी चीज से हमें बहुत सारी दुख का। लेकिन आनंद का जो कारण है विषय वो आत्मा है उसके बारे में जो हम है तो जो हम हैं हम हमको ही भूल के इस वस्त्र देह जो वस्त्र है ऊपर हम पूरा लगाव रखे बैठे हैं तो इस देह के ऊपर इतना मोहित होना अच्छा नहीं है तो इसलिए कृष्ण यहाँ अपना उपदेश प्रारंभ ही इस विषय से कर रहे हैं कि तुम देह नहीं हो हम सनातन है अर्जुन क्यों इतना विचलित हो रहे हो क्यों उनको मारने में इतना हिचकिचाहट कर रहे हो आ, ये तो सिर्फ तुम तो सिर्फ देह को मार रहे हो भीष्म भीष्म जिस जो आत्मा देव में का शरीर में है वो तो सनातन है उसका कुछ मरण मृत्यु जैसे कुछ चीज ही नहीं है तो अपना कर्तव्य करो तुम क्षत्रिय हो योद्धा हो तुम्हारा काम है धर्म का उद्धार करना धर्म का रक्षण करना तो इस धर्म का रक्षण के लिए तुम्हें युद्ध करना है और जो विरुद्ध पक्ष में है उन्हें मारना है तो इस उद्देश्य से कृष्ण यहाँ अर्जुन को बोल रहे कि दिग्भ्रमित मत हो इस मृत्यु से वो मरेंगे इसके विषय से तुम भ्रमित मत हो अपना कर्तव्य का कर्तव्य को निभाओ तो ऐसे बोल रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज है तो यह पिछले श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं मैं तुम और ये सब राजा ये सब सनातन है लेकिन इसमें आ, एक श्लोक भी था मैंने थोड़ा नहीं नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना एको बहुनाम यो विदाति कामान तमा तमाम तमात्मस्थम ये अनुपश्यंती धीरस ऐसा शांति शाश्वती नेतर जिनको इस भौतिक जगत में जिनको शाश्वत परिपूर्ण शांति जो चाहते हैं वो कौन पा सकता है शाश्वत शाश्वत सनातन परिपूर्ण शांति सिर्फ साधु पा सकते हैं कैसे साधु जो साधु जो हर चीज में अंदर और बाहर सिर्फ भगवान को देखते हैं उन वो साधु जीवन में असली और परिपूर्ण शांति प्राप्त कर सकते हैं बाकी जो सिर्फ ढोंगी साधु है वो तो कुछ पा नहीं सकते वो सिर्फ लोगों को लोगों के साथ बेईमानी कर सकते लेकिन वो असली शांति सुख संतोष ये सब वो प्राप्त नहीं कर सकते तो ये जो ग्यारह से तीस तक जो है आत्मज्ञान जो आदमी इस आत्मज्ञान को पूरा अच्छी तरह से समझ जा समझ समझ लेता है हुँ? तो वो तो देह के संबंधित किसी चीज से वो दुखित ही नहीं होता है क्योंकि जो भी होता है देह के विषय में वो तो उसको पता है तो तात्कालिक है और जो देह के लिए हो रहा है उसका कारण क्या है उसका कारण मेरा पूर्व कर्म फल है तो मैंने जो भी किया पिछले जन्मों में उसका फल है तो चिंता करके क्या फायदा और चिंता करने से क्या वो फल बदल जाएगी क्या मेरा दर्द कम हो जाएगी नहीं उसको पता है कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला है तो वो सिर्फ दृढ़ता के साथ वो भक्ति करता है कि एक ही परिहार है इसके लिए कि भगवान का शरण लेना क्योंकि कृष्ण भगवत गीता में अंत में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य आम एकम चरणम रजा अहम तो सर्व पापे भी मोक्ष सर्व तुम्हारा पाप कर्मों से तुम्हें मुक्त करता हूँ माँ सुचा चिंता मत करो संदेह मत करो तो जो असली धीर है असली संत है वो तो इस ज्ञान के प्रकार जीता है इसलिए हमारे बहुत सारे आचार्य थे जो अपने ये देह का संरक्षण के लिए खाना खाने के लिए भी काम भी नहीं करते थे और भिक्षा भी नहीं करते थे आ? काम तो हम जैसे सामान्य लोगों के लिए है संत लोग भिक्षा करते हैं लेकिन हमारे जो आचार्य थे वो भिक्षा भी नहीं करते थे क्या कहते थे अगर हमें कुछ खाने के लिए मिलना है तो भगवान भेजेंगे अगर वो भेजेंगे तो हम लेंगे नहीं तो हम लेंगे भी नहीं और ऐसे भक्तों को क्या होता है भगवान खुद आके एक तो हमारा श्री माधवेंद्रपुरी है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु के गुरु है उनको गोवर्धन पर्वत के नजदीक वो बैठे रहते हैं और पूरा दिन वो कुछ खाए बिना जब करते बैठे हैं कृष्ण देखता है ये तो क्या है? ये भिक्षा भी नहीं मांग रहे तो वो खुद आके खुद आके वो दूध दे के जाता है उनको पता नहीं चलता है कि कृष्ण आया है लेकिन कृष्ण ऐसे और एक और सन्निवेश में क्या होता है रघुनाथ दास नहीं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये सब हमारा छठ गोस्वामी में रूप गोस्वामी प्रमुख है सब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी सनातन गोस्वामी बहुत दिनों के बाद रूप गोस्वामी के घर आते हैं और रूप गोस्वामी सोचते अरे मेरे बड़ा भाई और मेरा गुरु यहाँ आए है तो उनको तो मुझे स्वीट राइस खिलाना है लेकिन मेरे पास तो बनाने के लिए कुछ है ही नहीं जब वो ऐसे सोचते लेकिन उनके लिए उनके पास टाइम नहीं है और वो जाके ऐसे किसी से भीख भी नहीं भिक्षा भी नहीं करेंगे टीम मुझे ये दो वो दो तो सोच रहे कैसे सेवा करे बड़े भाई का और गुरु का तो तब राधा रानी सोचती है तो महाभाम मेरा महाभक्त है क्योंकि रूप गोस्वामी रूप मंजरी है आध्यात्मिक जगत में तो रूप राधा रानी स्वयं आके जो क्षीरान के लिए जो भी चाहिए सब सामग्री चली जाती है और एक और इसमें बोलते हैं कि वो क्षीरान नहीं दे के चली जाती है तो ऐसे जो भगवान की सेवा में लगे है स्वयं भगवान आके उनका भगवान उनका देखभाल करेंगे तो असली संत ये है असली संत अपने देह का संरक्षण के लिए भी कुछ नहीं करते लेकिन हम तो उतना उस हद तक अभी पहुंचे नहीं तो हमको ये हमारा वाहन है तो उसका संरक्षण करने के लिए प्रयास करना है लेकिन बहुत उसमें डूबने का जरूरत नहीं है क्योंकि जो है सो है वो तो हमारा कर्म फल के प्रकार है और अगर हमको हमारे कर्मफल बदलना है तो तीव्र भक्ति करनी चाहिए बाकी कुछ मार्ग ही नहीं है तो इसके साथ ये तेरवा श्लोक खत्म होती है और आज हम यही विराम देंगे अगले हफ्ते आगे बढ़ेंगे किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं भगवत तो गीता की जगत गुरु